नमस्कार, आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं फिजिक्स एक्सप्रेस। मैं हूं सुमित सिंह, आपका फिजिक्स मेंटोर। तो आज के लिए हम जो इस वीडियो लेक्चर में टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो वेक्टर चैप्टर का है, और हम इसमें देखने वाले हैं कि वो कौन कौन से मेथड्स हैं जिनको यूज करके हम वेक्टर को ऐड कर सकते हैं। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर। तो सबसे पहला टॉपिक जो हमको यहाँ पे देखना है वो है मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। तो यहाँ पे बहुत ही क्लियर कट जो है हमको यहाँ पे मेथड मिल जाते हैं, और ये सारे मेथड किसके हैं? वेक्टर अलजेब्रा के। तो यहाँ पे देखना है कि वो कौन कौन से मेथड हैं। तो जैसा आप देख पा रहे हैं, हमारे पास दो मेथड हैं वेक्टर को अगर आपको ऐड करना हो, तो इन दोनों मेथड में से कोई भी एक मेथड यूज कर सकते हैं। कौन कौन से मेथड है? हेड टेल मेथड, और दूसरा कौन सा मेथड है? कॉमन टेल मेथड। तो हमारे वेक्टर अलजेब्रा में ये दो मेथड हैं जिनका यूज करके हम किन्हीं भी वेक्टर या वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं। अच्छा, ये जो हेड टेल मेथड है और ये जो कॉमन टेल मेथड है, इन्हीं को हमको आज के इस लेक्चर में अच्छे से डिस्कस करना है, अच्छे से समझना है। पर ये भी हम साथ साथ देख लेते हैं कि जो हेड टेल मेथड है उसके ऊपर कौन कौन से लॉज बेस्ड है, और हमको ये भी देखना है कि जो कॉमन टेल मेथड है उसके ऊपर कौन सा लॉ बेस्ड है। तो हम बात करें अगर हेड टेल मेथड की, तो इस पे हमारे दो लॉज बेस्ड हैं। पहले लॉ का नाम है ट्रायंगल लॉ, और दूसरा वाला जो है इसका नाम है पॉलीगन लॉ। यानी चाहे हम ट्रायंगल लॉ का यूज करें वेक्टर को ऐड करने के लिए, चाहे पॉलीगन लॉ का मेथड यूज करें, पॉलीगन लॉ को हम यूज करें, ये दोनों ही बेस्ड है हेड टेल मेथड पे। बात करें जो कॉमन टेल है वो वाला जो मेथड है उसके ऊपर कौन सा बेस्ड है लॉ, तो ये है पैरेललोग्राम लॉ। तो मिला जुला के अगर हम मेथड की बात करें, तो हमारे पास वेक्टर को ऐड करने के दो मेथड है। पहला है हेड टेल मेथड, दूसरा है कॉमन टेल मेथड। और हेड टेल मेथड के ऊपर हमारे लिए दो लॉज बेस्ड हैं। पहले का नाम है ट्रायंगल लॉ, दूसरे का नाम है पॉलीगन लॉ। और अगर हम बात करें कॉमन टेल मेथड, इसके ऊपर जो बेस्ड लॉ है उसका नाम है पैरेललोग्राम लॉ। तो एक एक करके हम देखेंगे कि जो हेड टेल मेथड है वो क्या है, और फिर हम देखेंगे कि उसके ऊपर बेस्ड ये जो लॉज है वो हमारे लिए कैसे एक्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हेड टेल मेथड की। तो देखिए, वेक्टर अलजेब्रा में जो हेड टेल मेथड है वो बहुत ही सिंपल सा है, जैसा ये नेम सजेस्ट कर रहा है बिल्कुल वही वाला मेथड है। इसमें क्या करना होता है, अगर आपको कुछ वेक्टर्स को आपस में ऐड करना है, तो हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले वेक्टर से। जो सबसे पहले वेक्टर का हेड होता है उससे उसके जस्ट अगले वेक्टर के टेल को कंबाइन करते हैं, और ये प्रोसेस रिपीट करते हैं। क्या करते हैं, पहले वेक्टर को लेते हैं, उसके हेड से अगले वेक्टर का क्या लगा देते हैं टेल, और ये प्रोसेस तब तक रिपीट करते हैं जब तक कि जितने भी वेक्टर आपको ऐड करने हैं वो सारे के सारे आपको फिगर में ना दिख जाए। उसके बाद क्या करना होता है, उसके बाद पहले वेक्टर के टेल से आखिरी वेक्टर के हेड को मिलाने वाला ही जो हमारे लिए क्लोजिंग वेक्टर होता है वही दिखाता है रिजल्टेंट। तो अगर आपने ये लॉ समझा, तो उसको हम एक वेक्टर का कॉम्बिनेशन लेते हैं और इसको हम ऐड करके देखते हैं। यहाँ पे तीन वेक्टर हैं, इन तीन वेक्टर में ए वेक्टर, बी वेक्टर, जो सी वेक्टर आपको दिख रहा है, इनको हमको क्या करना है ऐड, और हमको बताना है कि हमारा जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा। हमने पहले से ही पढ़ रखा है कि अगर आप वेक्टर को ऐड करेंगे तो जो आपको आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा, वेक्टर मिलेगा। अब अगर हम हेड टेल मेथड की बात करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वेक्टर ए से। सबसे पहला वेक्टर मैं ए ले लेता हूं, ले लिया। फिर क्या करना है, इस ए वेक्टर के हेड से बी वेक्टर का टेल लगा देना है। अब देखें, बी वेक्टर को मैं लेके जाता हूं यहां पे, उसका टेल लगाता हूं उसके हेड से, और ये देखें ये दूसरा वेक्टर। फिर क्या करता हूं, अभी सारे वेक्टर तो हुए नहीं, अभी तीसरा वेक्टर रह गया है, ए बी तो हमने ऐड कर लिया, तीसरा वेक्टर रह गया है, उसका टेल लेता हूं इसके हेड से लगाता हूं। अब देखें इसको ऐसे लेते हैं, यहाँ पे शिफ्ट करते हैं, ये है हमारे लिए सी वेक्टर। हमने सारे वेक्टर जिनको आपस में ऐड करना है उनको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर लिया। अब हमको क्या करना है, पहले वेक्टर के टेल से आखिरी के हेड को मिलाना है। देखिए ये है पहला वेक्टर, ये है आखिरी वेक्टर। हम क्या करते हैं, पहले वेक्टर के टेल से आखिरी वेक्टर के हेड को मिलाते हैं, और ये जो आपको दिख रहा है वेक्टर, यही वेक्टर हमारा क्या होता है, इन तीनों वेक्टर का सम यानी रिजल्टेंट। तो इस तरीके से आप देखिए जो हमारा हेड टेल मेथड है उसने क्या करा, उसने सिंपल बस ये करा कि पहले वेक्टर से
हमने स्टार्ट करा पहले वेक्टर के हेड से अगले वेक्टर का टेल मिलाया और ये हम करते गए जब तक कि सारे वेक्टर खत्म नहीं हो गए। फिर क्या करा, पहले वेक्टर के टेल से आखिरी वेक्टर के हेड को मिला दिया और यही वाला जो वेक्टर आप देख रहे हैं यही हमारा क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर। तो यही है हमारा हेड टेल मेथड, जैसा उसका नाम वैसा उसका काम। ओके, तो इसी मेथड के ऊपर हमने पहले से ही बात कर रखी है कि दो लॉस बेस्ड हैं, क्या क्या नाम है उनका, ट्रायंगल लॉ, और क्या नाम है उनका, उनका नाम है पॉलीगन लॉ। तो दो लॉस है, तो हम देखेंगे कि ये ट्रायंगल लॉ क्या है, फिर हम देखेंगे कि ये पॉलीगन लॉ क्या है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो बात करते हैं ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन की। ओके, ये बेस्ड है हमारे लिए हेटल मेथड के ऊपर। तो हेटल मेथड में हम क्या करेंगे, एक्चुअली हमारे पास यहाँ पे वेक्टर्स होंगे, जब हम उनको हेटल मेथड से या हेटल मेथड का यूज करके एड करेंगे तो हमारे सामने जो रिजल्टेंट फिगर दिखेगा वो क्या दिखेगा, ट्रायंगल। इसलिए चूंकि ट्रायंगल दिखता है इस लॉ का नाम पड़ गया है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्लियर। अच्छा, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की बात करें तो ये किसके ऊपर बेस्ड है, तो बात कर लेते हैं, ये है बेस्ड ऑन हेड टेल मेथड, पहले से बात कर रखी है। दूसरा यहां पे देखें कि ये जो ट्रायंगल लॉ होता है, ये जो ट्रायंगल लॉ होता है वो केवल दो वेक्टर को ऐड कर सकता है, उससे ज्यादा वेक्टर को ऐड करना हो तो हम ट्रायंगल लॉ से नहीं ऐड कर पाएंगे। तो कितने को ऐड कर सकता है, केवल दो वेक्टर को, एड्स ओनली टू वेक्टर्स। ठीक है, तो ये बातें हैं जिसको हमको ध्यान देना चाहिए अगर हम ट्रायंगल लॉ की बात कर रहे हैं। अब देखें, ट्रायंगल लॉ केवल दो वेक्टर को ऐड कर सकता है, तो दो वेक्टर मैं लेता हूं, ये है पहला वेक्टर, मान लेते हैं इसको ए, ये है दूसरा वेक्टर, मान लिया इसको बी। क्लियर, तो ये दो वेक्टर आपको दिए हुए हैं। अब हेड टेल मेथड का यूज करते हैं, क्या करेंगे, पहला वेक्टर लिया दैट इज ए, उसके हेड से अगले का क्या लगा लिया, टेल लगा लेते हैं, लगा लिया। अब आप देखिए जरा यहां पे, पहले के टेल से आखिरी के हेड को हम मिलाएंगे, चलो ये मिला लेते हैं, ये हो गया रिजल्टेंट। अब देखिए, ये सब हमने अभी बताया, अभी हमने बात करी, तो हमने किसकी बात करी, इस मेथड की, हेड टेल मेथड की। हेड टेल मेथड का यूज करके हमने क्या कर दिया, दो वेक्टर ए और बी को ऐड कर दिया। क्लियर है, तो यहां पे जो आर आपको दिख रहा है वो किसके बराबर हुआ, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के बराबर हुआ। लेकिन आप देखिए यहां पे अल्टीमेटली जो फिगर बन के दिख रहा होगा वो क्या है, वो है ट्रायंगल। इसलिए इस मेथड से बने हुए इस लॉ को हम नाम दे देते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ओके, अब ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन का अपना एक स्टेटमेंट है, जरा वो स्टेटमेंट देख लेते हैं। ट्रायंगल लॉ का स्टेटमेंट जो है, हालांकि हमने इसको कैसे ऐड किया हुआ है, ऐड किया हुआ हेटल मेथड से, लेकिन फिर भी इसका एक स्टेटमेंट है और उस स्टेटमेंट को देखने के बाद हम उसी स्टेटमेंट को ही क्या कहेंगे, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। देखिए वो क्या है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ये कहता है कि अगर जिन दो वेक्टर को ऐड करना है, ये दो वेक्टर किसी भी ट्रायंगल के दो कंसेक्यूटिव साइड दिखाए, कैसे साइड, कंसेक्यूटिव यानी लगातार आने वाली साइड, अगर ऐसा हो जाए तो जो तीसरा साइड होगा, जो तीसरा साइड होगा वो ट्रायंगल के लिए क्लोजिंग साइड होगा, इसी क्लोजिंग साइड से हम क्या दिखाते हैं, हम रिजल्टेंट को दिखाते हैं। अच्छा, ट्रायंगल लॉ में एक बात जरा ध्यान से देखिएगा, वो ये है जिन दो वेक्टर को हम ऐड कर रहे हैं उनका सेंस, जरा वो देखिएगा, अगर आप ए वेक्टर को देखें तो इसका सेंस हुआ टेल टू हेड ये, बी वेक्टर को देखें तो टेल टू हेड ये, जिन दो वेक्टर जिनको ऐड करना है उनको हमने ट्रायंगल के दो कंसेक्यूटिव साइड के फॉर्म में लिखा हुआ है और उनका जो सेंस है वो भी आपको क्या दिख रहा होगा, सेम। लेकिन जो रिजल्टेंट है उसको अगर आप देखें तो उसका सेंस पलट गया है, सेंस देखिए टेल टू हेड सेम सेंस, सेम सेंस होता तो क्या होता, टेल टू हेड, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे देखें हेड टू टेल, तो सेम सेंस होता तो क्या होता, टेल टू हेड, टेल टू हेड, टेल टू हेड, लेकिन यहाँ पे आर का सेंस क्या है, उसका सेंस है हेड टू टेल यानी ऑपोजिट सेंस। तो अगर आपने इन सबको ध्यान दिया हो तो इनको कलेक्ट करके हम ट्रायंगल लॉ के स्टेटमेंट की बात करते हैं। वो क्या कहता है, अगर आप दो वेक्टर जिनको ऐड करना है उनको किसी ट्रायंगल के कंसेक्यूटिव साइड के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो भी कैसे, उनका ऑर्डर या उनका सेंस सेम हो, देन जो क्लोजिंग साइड होगा रिवर्स सेंस में, वही हमको क्या दे देगा, दो वेक्टर का ट्रायंगल लॉ के थ्रू रिजल्टेंट। यही जो स्टेटमेंट है उसी को हम क्या कहते हैं, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्लियर।
पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की हम अगर बात करें तो इसके लिए हम बात करें कि सबसे पहले ये भी बेस्ड है ऑन हेटल मेथड पे, क्लियर। और दूसरी बात ये है, अभी आप देखें ट्रायंगल लॉ में एक कमी थी, वो कमी क्या थी, वो केवल दो वेक्टर को ऐड कर सकता है, पर ये वाला जो मेथड है वो दो को तो ऐड कर ही सकता है, उससे ज्यादा को भी ऐड कर सकता है, तो ये ऐड करता है टू और मोर देन टू वेक्टर्स ना, तो ये दो को तो ऐड कर ही सकता है, ऐसा ट्रायंगल लॉ कर सकता है, उससे ज्यादा भी वेक्टर हो, 3, 4, 5, 50, ये उनको भी बड़े आराम से ऐड कर सकता है। और ये किस पे बेस्ड है, ये है बेस्ड हेटल मेथड पे। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे फोर वेक्टर्स ले लेते हैं, यहाँ पे फोर वेक्टर्स ले लेते हैं और फिर हम क्या करते हैं उनको ऐड करते हैं, लेते हैं एक वेक्टर है पी क्यू एस टी, ये फोर वेक्टर है और हमसे बोला गया कि आप इन फोर वेक्टर्स को क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए और हमको बता दीजिए रिजल्टेंट, ये क्या होगा पी प्लस क्यू प्लस एस प्लस टी, आपको इन फोर वेक्टर्स को क्या करना है, ऐड करना है। ऐड करते हैं, कौन सा लॉ लेना है, कौन सा लॉ हम बात कर रहे हैं, बात करें पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की, और कौन सा मेथड यूज करने वाले हैं, हेटल मेथड। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहला वेक्टर ले लेते हैं P वेक्टर, उसके हेड से अगला वेक्टर Q है, उसका क्या लगा देंगे टेल लगा देते हैं, ये Q वेक्टर, आगे है S उसका लगा देते हैं टेल, आगे कौन सा है T वेक्टर उसका क्या लगा देते हैं टेल। देखिए चारों वेक्टर हमने पहले के हेड से अगले का टेल, इसके हेड से अगले का टेल, इसके हेड से अगले का टेल लगा दिया। अब हम बात करते हैं पहले वेक्टर के टेल से अगले वेक्टर के हेड को मिलाने की, और ये जो आपको दिख रहा होगा ये हेड टेल मेथड से हमारे लिए क्या हो गया, रिजल्टेंट। और ये जो रिजल्टेंट आपको बनने के बाद जो फिगर दिख रहा है, चूंकि ये पॉलीगन है, चूंकि ये पॉलीगन है इसलिए इस लॉ को हमने एक नया नाम दे दिया है, उसका नाम क्या है, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब इसके स्टेटमेंट की बात कर लें, बिल्कुल ट्रायंगल लॉ जैसा ही है स्टेटमेंट, जब वो देखें, देखिए जरा, अगर आप जिन भी वेक्टर्स को ऐड करना है उनका ऑर्डर या सेंस सेम रखते हुए अगर आप किसी पॉलीगन के कंसेक्यूटिव साइड दिखा दें, अगर आप किसी पॉलीगन के कंसेक्यूटिव साइड दिखा दें तो जो क्लोजिंग साइड पॉलीगन की होगी रिवर्स सेंस या ऑर्डर में, जो क्लोजिंग साइड होगी पॉलीगन की रिवर्स सेंस या ऑर्डर में, वही हमारे लिए क्या दे देगी, रिजल्टेंट। किनका, इन सारे वेक्टर्स का। इसी स्टेटमेंट को हम क्या जानते हैं, इसी स्टेटमेंट को हम क्या जानते हैं, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, क्लियर है। तो इस तरीके से हमने दो वेक्टर को ऐड करने के लिए ट्रायंगल लॉ देखा, दो या दो से ज्यादा वेक्टर को ऐड करना हो अगर तो हमने क्या देख लिया, पॉलीगन लॉ, क्लियर। तो बात करते हैं कॉमन टेल मेथड की, और इसके ऊपर जो बेस्ड लॉ है उसका नाम क्या है, पैरेललोग्राम लॉ। अब यहां पर ध्यान दें, यहां पे जो पैरेललोग्राम लॉ है वो केवल दो वेक्टर को ऐड कर सकता है, और ये किसके ऊपर बेस्ड है, कॉमन टेल मेथड पे। तो बात करें पैरेललोग्राम लॉ की, तो कितने को ऐड कर सकता है, केवल दो वेक्टर को, तो लिख लेते हैं एड्स ओनली टू वेक्टर्स ना। तो जैसे मान लिया मेरे पास दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर है पी वेक्टर, एक वेक्टर है क्यू वेक्टर, अगर इन दोनों को ऐड करना हो तो हम हेटल मेथड का यूज कर सकते हैं, चाहे हम ट्रायंगल लॉ का यूज कर लें, चाहे हम किसका यूज कर लें, हम कर लें पॉलीगन लॉ का। लेकिन अगर हमको पैरेललोग्राम लॉ का यूज करके इनको ऐड करना है तो क्या करेंगे, तो वो जरा ध्यान से देखें, हम क्या करेंगे, इन दोनों का कर लेंगे टेल कॉमन, कॉमन करते हैं। उसके लिए मैं क्या करता हूं, मैं पी को आगे शिफ्ट कर लेता हूं, ये रहा पी वेक्टर, और जो क्यू है इसको ले जाता हूं यहां पे कुछ ऐसे। अब देखिए इस समय दोनों का क्या कॉमन है, टेल कॉमन है, टेल कॉमन होने के कारण इसी मेथड को हम क्या कहते हैं, कॉमन टेल मेथड। अब देखिए पैरेललोग्राम लॉ क्या बनता है, यहां पे फिगर हमको क्या बनता हुआ दिखेगा, पैरेललोग्राम, देखिए कैसे हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि जो दो वेक्टर आपको दिख रहे हैं पी क्यू, अगर मान लो इनको एड करके हमको रिजल्टेंट चाहिए,
पी क्यू को ऐड करके हमको रिजल्टेंट चाहिए। तो हमको क्या करना होता है, सबसे पहले इनका तो टेल कॉमन कर लेना होता है, फिर क्या कर लेना होता है, इन दोनों को यूज करके हमारे लिए किसी पैरेललोग्राम के करेस्पॉन्डिंग साइड को फॉर्म कर लेना पड़ता है। यानी इन दोनों वेक्टर को हम लेंगे और इनका यूज करके एक पैरेललोग्राम के हम दो करेस्पॉन्डिंग साइड हम बना लेंगे। तो बनाते हैं, देखिए पैरेललोग्राम में देखें, इसके पैरेलल एक ये लाइन, इसके पैरेलल एक ये लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और आप देखें आपके सामने एक फॉर्मेशन हो गया क्वाड्रिलेटरल का जिसका नाम है पैरेललोग्राम। ये देखिए ये है पैरेललोग्राम। अच्छा, जो पैरेललोग्राम होता है उसमें दो डायगोनल होंगे, तो कहते हैं कि वो डायगोनल जो कॉमन पॉइंट जिन दो वेक्टर को ऐड कर रहे हैं, जिस कॉमन पॉइंट पे वो दोनों आपको एक साथ दिख रहे होंगे, उस पॉइंट से पास करने वाला ये जो डायगोनल है, इसी को हम क्या कह लेते हैं, रिजल्ट। क्लियर? तो बात करते हैं पैरेललोग्राम लॉ क्या है। तो सबसे पहले पैरेललोग्राम लॉ केवल दो वेक्टर को ऐड कर सकता है और हम उसको कैसे लॉ के फॉर्म में देखते हैं, तो कहते हैं कि जिन दो वेक्टर को ऐड करना है सबसे पहले उनका टेल कॉमन करते हैं और अगर ऐसा होने के बाद ये दोनों किसी पैरेललोग्राम के दो करेस्पॉन्डिंग साइड बना दे, करेस्पॉन्डिंग साइड बना दे, तो सेम पॉइंट, सेम कॉमन पॉइंट से जो डायगोनल उस पैरेललोग्राम का पास करेगा वही हमारे लिए क्या रिप्रेजेंट कर देगा, रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट कर देगा। क्लियर? तो इस तरीके से आप अगर देखें तो हमारे पास टोटल मिला के 3 लॉज हैं और इन लॉज का यूज करके हम किन्हीं भी वेक्टर्स को ऐड करना चाहे तो ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात यह है कि ऐसा नहीं कि हम किन्हीं दो वेक्टर को किसी एक लॉज से ऐड करेंगे तो कुछ और आंसर आएगा, दूसरे लॉज से ऐड करेंगे तो कोई और आंसर आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी आपकी इच्छा हो, जो भी लॉ आपको यूज करके वेक्टर को ऐड करना है आप अप्लाई करिए, बड़े आराम से आप वेक्टर को क्या कर पाएंगे, ऐड कर पाएंगे। और ध्यान देंगे हर एक कंडीशन में आपका आंसर सेम आएगा, वो आपका आंसर चेंज नहीं होगा। क्लियर? ओके, तो अब हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देख लेते हैं। ओके, तो आप लोगों को ये जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम करने जा रहे हैं वो आपको दिख रहा होगा। ये प्रॉब्लम को मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। कंसीडर 3 वेक्टर्स ए बी सी एज शोन इन द फिगर, परफॉर्म ग्राफिकली द फॉलोइंग वेक्टर एडिशन, और वो आपको दिया हुआ है। वेक्टर ए आपको ऐसा दिया हुआ है, वेक्टर सी आपको कुछ ऐसा दिया हुआ है, वेक्टर बी कुछ आपको ऐसा दिया हुआ है। और पहले क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप ए प्लस बी बताओ ना, दो वेक्टर ए और बी को क्या कर लो, ऐड कर लो। ऐड कर लेते हैं, चलो इसको दो मेथड से मैं ऐड करके दिखाता हूं। अगर हमको ऐड करना हो दो वेक्टर को तो हम ट्रायंगल लॉ यूज कर सकते हैं, यूज करते हैं। पहला वेक्टर ले लिया ए, पहला वेक्टर ए, अच्छा इसके हेड से बी का क्या लगा दिया, टेन लगा देते हैं, ये है बी वेक्टर। अब क्या करेंगे, पहले के टेन से आखिरी के हेड को मिलाएंगे, यही हो जाएगा रिजल्टेंट। तो यहां पे आर क्या हो गया हमारे लिए, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ओके, अच्छा अगर आप इसी को चाहें कि पैरेललोग्राम लॉ से ऐड करें तो भी सेम आंसर आएगा, जरा देखिए कैसे। ए ले लिया वेक्टर कुछ ऐसे, ये है ए वेक्टर, और ये जो पी वेक्टर है इसको लाते हैं कुछ यहाँ पे टेल कॉमन करने के लिए ऐसे, ये बी वेक्टर। ओके, अभी देखिए दोनों का टेल क्या हो गया, कॉमन हो गया। अब इससे हम पैरेललोग्राम बनाते हैं, पैरेललोग्राम बनाते हैं। देखें इसके पैरेलल ये लाइन, इसके पैरेलल ये लाइन, और देखें ये हो गया रिजल्ट। ओके, तो आप देखें थोड़ा सा फिगर बनाने में तो अप डाउन हो ही जाएगा, पर देखें इन दोनों का डायरेक्शन इन रिजल्टेंट का जो है सेम दिख रहा होगा और मैग्नीट्यूड यानी लेंथ भी आपको सेम दिख रहा होगा। यानी चाहे आप ट्रायंगल लॉ का यूज करें चाहे पैरेललोग्राम लॉ का यूज करें, आप दोनों वेक्टर को बड़े आराम से ऐड कर सकते हैं। क्लियर? तो ये होगा हमारा पहला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में जो हमसे बोला गया है वो बोला गया है ए प्लस बी प्लस सी करो। ओके, तो अगर हम बात करें 3 वेक्टर को ऐड करने के लिए, तो देखिए ना तो ट्रायंगल लॉ काम आएगा ना तो पैरेललोग्राम लॉ काम आएगा, क्योंकि इन दोनों से ही हम केवल दो वेक्टर को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे 3 वेक्टर ऐड करने तो हम कौन सा लॉ यूज कर लेंगे, पॉलीगन लॉ। बहुत सही, तो पॉलीगन लॉ का यूज करते हैं। वही हेटल मेथड, तो पहले लेते हैं ए वेक्टर, कुछ नहीं आता है ऐसा है, ए वेक्टर हेड से बी का क्या कनेक्ट करेंगे, टेल लगा दिया, ये है बी वेक्टर। फिर क्या करना है, सी वेक्टर, सी वेक्टर लगाते हैं, इसका टेल यहाँ हेड से और ये है कुछ सी वेक्टर। क्लियर? अच्छा, पहले के टेल से आखिरी के हेड को मिलाया, ये हो गया हमारा रिजल्टेंट,
और इसी आर डैश वेक्टर को हम क्या कह लेंगे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। क्लियर? तो यहाँ पे कौन सा लॉ हमने यूज किया, पॉलीगन लॉ। कौन सा मेथड, हेटल मेथड। ये कौन सा लॉ था, ट्रायंगल लॉ। ये कौन सा था, पैरेललोग्राम। ओके चलो बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा क्वेश्चन फिर आपको दिख ही रहा होगा, मैं एक बार पढ़ देता हूं। सिक्स वेक्टर्स ए थ्रू एफ हैव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इंडिकेटेड इन द फिगर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। भाई कहते हैं ए से एफ तक आपको जो वेक्टर है वो सब दिए हुए हैं। ओके फिर आप चार ऑप्शन को ध्यान से देखें तो चारों ऑप्शन में एक ही बात कॉमन है। चारों ऑप्शन में जो आंसर है उसके अगर आप इक्वल टू के राइट साइड में ध्यान से देखें, यानी राइट हैंड साइड को ध्यान से देखें, तो आपको वेक्टर एफ को जो है फाइंड आउट करना है और बताना है कि वो दो कौन से वेक्टर होंगे जिनको ऐड करके ये हमको मिल सकता है। तो वेक्टर कुछ ऐसे दिया हुआ है, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर, ई वेक्टर एंड ये वाला है एफ वेक्टर। ठीक है तो पहला ऑप्शन कहता है कि बी प्लस सी क्या एफ होगा। तो देखिए जरा ये बी है ये सी है, अगर हम इनको ऐड करें, देखिए ये है बी, सी को उनसे अगर हम ऐड करें तो जो रिजल्टेंट होगा पहले के टेल से आखिरी के हेड को मिलाने वाला ये होगा। अच्छा जरा देखिए क्या ये कभी एफ हो सकता है, नहीं, क्योंकि जो रिजल्टेंट है किसका रिजल्टेंट, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का, वो एफ वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में है, इसका मतलब ये ऑप्शन सही नहीं हो सकता। चलो इसको हमने कैंसिल कर दिया। ऐसे ऑप्शन को चेक कर लेते दूसरा, डी प्लस सी। दूसरा ऑप्शन जो है वो कहता है डी प्लस सी, आप जरा देखो तो डी ये सी ये ऐड करते हैं, जरा देखें ये है डी वेक्टर, इसके हेड से सी वेक्टर लगाया ये। अच्छा अगर हम बात करें तो ये हुआ हमारा रिजल्टेंट यानी वेक्टर डी प्लस सी। अच्छा जरा देखें क्या ये एफ के डायरेक्शन में है भी, नहीं, और अगर नहीं है तो क्या ये सही हो सकता है, बिल्कुल नहीं। अगला ऑप्शन देखते हैं डी प्लस सी, देखें डी ये ई ये, देखते भाई डी वेक्टर ई वेक्टर और रिजल्टेंट, क्या ये एफ वेक्टर हो सकता है, बिल्कुल हाँ ये एफ वेक्टर हो सकता है क्योंकि इसका डायरेक्शन सेम है। और देखिए मैग्नीट्यूड का तो क्या है कि हमने ई और डी को थोड़ा सा ज्यादा बड़ा या किसी को छोटा बना दिया होगा, इसलिए ये जो लेंथ है वो थोड़ा सा अलग दिख रहा होगा, तो हमारे हिसाब से तो ये हमारा सी ऑप्शन सही हुआ। और अगर आप चाहें तो डी ऑप्शन भी देख सकते हैं। डी ऑप्शन कहता है कि बी में ई को ऐड करो, बी ये ई ये ऐड करते हैं, बी पहला वेक्टर, ई दूसरा वेक्टर, और अगर आप इनको ऐड करें तो ये है रिजल्टेंट, रिजल्टेंट मतलब बी प्लस ई। अब क्या ये एफ के डायरेक्शन में है, नहीं, तो आप पा रहे हैं कि सी ही ऑप्शन वो ऑप्शन है जो हमारे लिए सही है। क्लियर? तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा सही हो गया, ऑप्शन हो गया सी सही। ओके ओके अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगले क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि मेरे पास दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर है ए एक वेक्टर है बी, जब मैंने इन दोनों वेक्टर को ऐड किया तो जो रिजल्टेंट मिला, मान लेते ये है रिजल्टेंट आर, वो ए वेक्टर से कितना एंगल बनाता है, 90 डिग्री। और ये बोला गया कि वेक्टर आर का जो मैग्नीट्यूड है वो है बी बाई टू, यानी इसका मैग्नीट्यूड हमको मालूम है कितना, इसके मैग्नीट्यूड का हाफ। तो हमसे बोला गया है कि ए और बी वेक्टर के बीच का क्या बता दो, एंगल। क्लियर क्वेश्चन? ओके अगर मैं इस एंगल को अल्फा कह दूं तो आपके सामने क्या दिख रहा होगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल। अच्छा राइट एंगल ट्रायंगल में देखिए कौन परपेंडिकुलर कौन बेस है, तो एंगल के सामने हमेशा परपेंडिकुलर, 90 के सामने हमेशा क्या, हाइपोटेनस, बाकी जो बचा वो बेस बचा। अब ध्यान से देखिएगा, अगर मैं R को B के टर्म में रिप्रेजेंट करता हूं तो मैं इस R और B का रेशियो बता सकता हूं, और अगर ऐसा है तो इस अल्फा का हमको क्या लेना चाहिए। देखिए जरा सामने ये दिख रहा होगा परपेंडिकुलर, ये है हाइपोटेनस, तो अगर मैं साइन थीटा लूं, थीटा के जगह पे क्या जाएगा अल्फा, तो साइन अल्फा हमारे क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी R बाई बी के इक्वल। अच्छा R की वैल्यू कितना दिया हुआ है, बी बाई टू, तो यहाँ पे लिख लिया बी बाई टू इंटू बी, बी बी कैंसिल, ये आ गया 1/2, यानी अल्फा कितना हो गया भाई, टेन अल्फा इज इक्वल टू 1/2, तो अल्फा कितना हुआ 30 डिग्री। तो क्या ये हमारे आंसर हुआ, ध्यान दीजिएगा, ए वेक्टर बी वेक्टर के बीच का एंगल बताना है, क्या इनका हेड हेड या टेल टेल कॉमन है,
नहीं, और अगर ऐसा है तो जरा देखिए एक बार कॉमन करते हैं, मैं इस बी वेक्टर को पीछे खींच के लाता हूं, कुछ ऐसे इसको पीछे खींच के लाता हूं ऐसे। अभी देखिए ये कॉमन हो गया है, और अगर ऐसा है थोड़ा सा मैं इसको पीछे खींच के लाता हूं ऐसे, ये है बी वेक्टर, इसको मैंने जस्ट पीछे खींच दिया। और अगर ऐसा हुआ देखें, ए और बी का क्या कॉमन हो गया, हेड। और अगर ऐसा है तो देखें, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में ये एंगल है छोटा एंगल, और यही एंगल होगा ए और बी के बीच का एंगल। और इस एंगल की बताएं तो देखें, ये टोटल है 180, ये वाला कितना है 30, तो 180 में से अगर हम 30 निकाल लें तो हमारा आंसर हो जाएगा, हेंस एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी विल बी 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, कितना हो गया 150 डिग्री। क्लियर? तो वेक्टर ए और बी के बीच में कितना एंगल हुआ, 150 डिग्री। क्लियर? अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन ये बोला गया, जो कि आप देख पा रहे होंगे कि भाई दो वेक्टर हैं, एक है ए और एक है बी वेक्टर। अच्छा, इनके बीच में एंगल हमको दिया हुआ थीटा। कहते जो इनका रिजल्टेंट है, ये हुआ रिजल्टेंट, इसको सी कहा, और बोला गया कि ये जो एंगल है वो है बीटा। क्लियर है? तो फिर ये कहते हैं कि अगर ए और बी का जो डायरेक्शन है वो इंटरचेंज कर लिया जाए तो जो रिजल्टेंट होगा उसका क्या सेम रहेगा, क्या रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, डायरेक्शन सेम रहेगा, दोनों सेम रहेंगे, या कोई भी सेम नहीं रहेगा, उसकी बात करते हैं। तो जरा देखें, बी वेक्टर का भी डायरेक्शन ये है, इंटरचेंज करके हमको एक ही डायरेक्शन में करना है, कर लेते हैं। ये हो गया बी वेक्टर, बी वेक्टर को हमने ए के डायरेक्शन में कर दिया, और जो ए है उसको बी के डायरेक्शन में करना है। देखिए ये है ए वेक्टर, अब जरा इनका रिजल्टेंट देखते हैं, ये है रिजल्ट। नहीं, अब जरा ध्यान से देखें तो ये जो हमारे सामने पैरेललोग्राम दिख रहा है, आप इसको ऐसे 180 डिग्री से टर्न करके, 180 डिग्री से टर्न करके टेढ़ा करके यहां पे लाएं, तो आप देखेंगे कि एकदम आइडेंटिकल पैरेललोग्राम बन रहा है। और अगर ऐसा है तो ये वाला क्या है, इस पैरेललोग्राम का डायगोनल, तो ये भी वही डायगोनल हुआ। और अगर ऐसा हुआ तो भाई वेक्टर आर और सी मैग्नीट्यूड वाइज क्या हुए, सेम हुए, इसका मतलब मैग्नीट्यूड तो सेम है। बात कर लेते हैं डायरेक्शन को लेके, तो जरा देखें अगर मैं इस डायरेक्शन को रेफरेंस मानूं तो ये है बीटा ना। अभी आप देखें ये जो बीटा है, ये जो बीटा है उसका ये एंगल से अगर कंपैरिजन करें तो आपको दिख रहा होगा कि क्या रिलेशन है। अभी आप देखें, अभी हमारे जो रिजल्टेंट है उसका अगर ये एंगल देखें तो देखें ये पहले से ज्यादा हो गया, पहले ये जो डायरेक्शन था अगर मैं इसको एक्स एक्सिस का पॉजिटिव कहूं तो अभी बीटा था छोटा, लेकिन अभी ये जो डायरेक्शन है वो हो गया बड़ा, इसका मतलब डायरेक्शन तो सेम नहीं है। और आप देखेंगे कि हमेशा ही जो आपका रिजल्टेंट होता है वो जो बड़े मैग्नीट्यूड का वेक्टर होता है उसकी तरफ हमेशा ही झुका होता है, उससे हमेशा ही रेस्पेक्टिवली दूसरे से क्या बनाता है, कम एंगल बनाता है। तो डायरेक्शन नॉट सेम, इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही हो गया, सही हो गया ऑप्शन ए। क्लियर? तो अभी के लिए फ्रेंड इतना ही, और अगली बार मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तो हम आगे के और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करेंगे। फिलहाल इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।